धान की बंपर पैदावार को अपनी सफलता बताने वाली तेलंगाना सरकार के लिए इसकी खेती ही अब परेशानी का सबब बन गई है। एमएसपी पर धान की खरीद करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने रबी सीजन के दौरान उत्पादित धान के स्टॉक को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने रबी सीजन में धान की खेती करने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अब वहां यह एक राजनीतिक सवाल बन चुका है। दरअसल तेलंगाना में धान की बढ़ती खेती और खरीद ने दूसरी फसलों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र ने एक ही सीजन का धान लेने का फैसला किया है। ऐसे में अब किसानों को बिना कोई प्रोत्साहन दिए धान की खेती के लिए मना करना राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपने एक बयान में कहा था कि धान की खेती किसानों के लिए आत्मघाती होगी, क्योंकि एफसीआई ने रबी सीजन के दौरान पैदा होने वाले धान को खरीदने से इनकार कर दिया है। यह तो रही वर्तमान समस्या। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राज्य सरकार और किसानों को फसल विविधीकरण की बात समझ नहीं आई तो 15 से 20 साल बाद खेती में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लगातार एक ही फसल की खेती पर निर्भरता से सरकारी खरीद पर दबाव ज्यादा होगा, फसलों की उत्पादकता कम होगी और पानी का संकट खड़ा होगा, धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। तेलंगाना के ज्यादातर किसान धान की खेती करने लगे हैं। इस पर एमएसपी मिलती है और सरकारी खरीद की गारंटी भी। जब फसल से कमाई और खरीद दोनों सुनिश्चित हो तो भला कोई दूसरी फसल की ओर क्यों ही भागेगा। लेकिन यही कामयाबी एक दिन ऐसा चक्रव्यूह बनाएगी कि किसान चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, जैसा कि अभी पंजाब में हो रहा है। वहां तो फिर भी गेहूं और धान दो प्रमुख फसलें हैं। तेलंगाना इससे एक कदम आगे है, जहां खरीफ और रबी दोनों की प्रमुख फसल धान हो गई है। अब खेती में विविधता लाने की सलाह दी जा रही है, जिसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तेलंगाना में धान की खरीद कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण समझते हैं। साल 2015-16 में यहां 23.57 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जो 2020-21 में 6 गुना बढ़कर 141.11 लाख मैट्रिक टन हो गई। खरीद के साथ ही अंधाधुंध उत्पादन हो रहा है, इससे दूसरी फसलें होशिये पर चली गई। पंजाब के बाद सबसे अधिक धान की खरीद यहीं से हो रही है। धान की बंपर पैदावार के पीछे छोड़ बड़ी वजह यही की नीतियां हैं। तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जहां अपने किसानों को खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इस वजह से किसान पर्याप्त सिंचाई करने में सक्षम हुए हैं। पानी निकालने पर कोई रुकावट नहीं है, जिससे धान की खेती को बढ़ावा मिला है। जबकि ग्राउंड वाटर ईयर बुक 2020-21 के अनुसार तेलंगाना के 584 खड़ोंबे से 70 में पानी का काफी दोहन हो चुका है, जबकि 67 नाजुक स्थिति में है। केवल 278 खंड ही पानी के लिहाज से सुरक्षित कैटेगरी में है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2020 में कहा था कि रिकॉर्ड स्तर पर धान की खेती होने के कारण तेलंगाना देश का चावल का कटोरा बन रहा है। साल 2014-15 में यहां धान का रकबा केवल 12.23 लाख एकड़ ही था, जो 2020-21 में रिकॉर्ड 63 लाख एकड़ हो गया। 5-6 साल में ही इतनी वृद्धि है। खरीफ सीजन 2021 में तेलंगाना में 1.48 करोड़ मैट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि तेलंगाना को स्थानीय खपत के लिए एक साल में 83.5 लाख मैट्रिक टन धान की ही जरूरत होती है। एक तरह से तेलंगाना अब भारत के नए धान के कटोरे के रूप में उभरने के मार्ग पर है, लेकिन साथ ही साथ इसमें नया संकट भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।